भारत की राजधानी दिल्ली में G20 समिट बैठक हो रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 के सभी मेहमानों के लिए एक डिनर पार्टी आयोजित की गई। ये डिनर पार्टी 9 सितंबर की शाम यानी आज शाम को रखी गई। डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति की ओर से विपक्षी दल के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया और इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। खड़गे को डिनर पार्टी में शामिल न किए जाने को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मोहन कुमार मंगलम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 के डिनर की गेस्ट लिस्ट से बाहर किए जाने के बाद मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी तो मनु है। मोहन ने अपने ट्वीट में और भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। साथ ही जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को G20 डेलीगेट्स डिनर में नहीं बुलाया गया। मोदी तो मनु। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि वे विपक्ष के नेता को महत्व नहीं देते और हमें G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया है। विदेश की जनसंख्या का 60% हिस्से का नेतृत्व करने वाले को महत्व नहीं देते। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की सरकार विश्व नेताओं के लिए राजकीय रात्रिभोज में विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता को आमंत्रित नहीं करेगी। ऐसा केवल उन्हीं देशों में हो सकता है जहां न तो लोकतंत्र हो और न ही विपक्ष। मुझे उम्मीद है कि इंडिया यानी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंच गया है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाए। वहीं खड़गे के ऑफिस की ओर से कहा गया कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा आयोजित G20 में शामिल होने वाले नेताओं के सम्मान में दिए जा रहे डिनर के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने साफ किया है कि इस डिनर के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाया गया है। इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय सचिवों और कुछ उद्योगपतियों को ही बुलाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।